तो सारा सामान पैक करना है। पैक करने के बाद फाइनली गाइज हमारा सामान सब कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने बैग में दूसरा जो सामान था। फाइनली गाइज हमने गाड़ी वॉश करवा के अभी आ गए, आप देख सकते हैं। फाइनली हम आ गए यहाँ पे शॉप पे गाड़ी की पैक करवाने के लिए, तो अभी हमारी गाड़ी जैक पे है। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और सुबह के 12:30 में रेडी होकर नहा धोकर रेडी होकर तैयार और कम्प्लीट। और आपको लास्ट ब्लॉग में बता सकूँ आपका चल गया क्या, आपने देखा था जो इसमें गाड़ी का बम्पर टूट गया था, वो मैं आपको बताया था बहुत ही बड़ा खर्चा आया था, तो जा रहे हुए पे रिपेयर करवाने के लिए। और यहाँ पे अभी पार्टी चल रही है हमारे नेक्स्ट भैया की, देखो फुल एंजॉय वाली पार्टी, ऐसे नहाते हैं कोई। तो अभी मम्मी लंच रेडी करें, लंच करके मुझे दोपहर तक टाइम लगेगा क्योंकि बंदों को साथ रेडी करवाना है, कार वॉश करवानी है और बीएड भी सेट करवानी है, तो उसमें बहुत ही टाइम लगने वाला है। तो सुबह सुबह फ्रेंड को बोल दिया रेडी होने के लिए, तो दोनों जाएंगे। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं जाने के लिए। अभी नहाने और अभी यहाँ पर हमारे मैक्स ही नारे क्या दिख रहा है, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, अंदर आना है, आना है अंदर, है आना है। ओए ए मैक्स, मैक्स ओ मेरे मैक्स, मैक्स नहा रहा है बाहर और उसने नहा लिया है। और गाइस हमने गाड़ी ले ली पार्किंग से और निकल गए वहाँ पे जो गफर भाई है उसके पास, और जो हमें काम करवाना है वो देखते कितना खर्चा आता है, बहुत ही बड़ा आएगा या छोटा आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और बम्पर के सारे लॉक टूट गए और नीचे के भी लॉक टूट गए, और गया था तब मैंने उसको बांध दिया था जो लोखंड के वो आते उससे तार से। और अभी मैं निकल जाऊँ और जा रहा हूँ मैं वहाँ तक, 2 बज गए नहा धो के खाने में रेडी होने में 2 बज गए, तो निकलते हैं। आज बहुत ही काम है तो देखते हैं क्या क्या काम होता है, क्योंकि कल निकलना है आफ्टर या मॉर्निंग में वो देखते हैं, और क्या प्लान रहता है वो भी मैं आपको बताता देता हूँ। फाइनली हम आ गए यहाँ पे शॉप पे गाड़ी की पे करवाने के लिए, तो अभी हमारी गाड़ी जैक पे है, तो अभी वो रिपेयर होगी आधे घंटे में। और देखते हैं, हमने अंदर से बम्पर टूट गया लेकिन बहुत ही नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो चलो रेडी होते तब तो वेट करते हैं। देखा नहीं टोटली नहीं। हमारी गाड़ी हो गई रिपेयरिंग, तो अभी जा रहे हो उसको धुलवाने के लिए, क्योंकि कल शायद 99% मुझे निकलना है, तो अभी गाड़ी में खर्चा आया है अप्रोक्स, बहुत मैं बताऊंगा नहीं, दिल टूट गया इतना खर्चा आया। तो हो गया तो हो गया, जो सो गया सो गया, जो बिक गया। तो अभी चलते हैं यहाँ पे
गाड़ी तुलवाने के लिए, और मैं अभी अंदर से तुलवाऊंगा, बाहर से खुद अपने हाथ से धोलूंगा, क्योंकि बम्पर का खर्चा आया तो गाड़ी में अंदर के धुलवाने के पैसे देगी, बाहर के धुलवाने के है नहीं ऐसा कुछ है। तो अभी चलते हैं, अभी 3:30 बज गए और बीएड भी सेट करवाने, लेकिन वो भैया है नहीं, तो वो आएंगे 5:30 बजे, तो मैं 6 बजे जाऊँगा। सामान भी पैक करना है पूरा, तो एक दिन में सारा काम आ जाता है तो पता ही नहीं चलता कितना काम रहता है। तो पहले अभी जाते गाड़ी धुलवाने के लिए, और फिर वहाँ से देखते हैं कि कितनी हमारे पास टाइम रहता है, कल सुबह निकलना है कल रात को निकलना है वो अभी डिसाइड करना है, क्योंकि दूर जाना है। तो देखते हैं, और हमारे साथ एक दूसरे भाई भी आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, जो मेरा फ्रेंड आने वाला है उसका, तो जब बैठेगा तभी बताऊँगा। पहले तो हम जाएंगे अकेले, फिर वो रास्ते में से मैं उसको पिकअप कर लूँगा। तो अभी चलते हैं गाड़ी तुलवाने के लिए पहला, और मैं लंच करके आ गया था, तो चलो गाड़ी तुलवा देते और फिर दूसरा काम होता है उसे निपटा लेते। फाइनली गाइज, हमने गाड़ी वॉश करवा के अभी आ गए, आप देख सकते हैं कैसे लग रही है, चेक करो गाइज गाड़ी का लुक चेक कीजिए, बहुत ही अच्छी लग रही है। चलो तो ट्रिप का सामान पैक करते हैं। तो गाइज फाइनली कार को वॉश करवा दी, और अभी बजे 6 बजे, टाइम हो गया बहुत ही, क्योंकि 2 घंटे लगे वेटिंग में थे, तो मैंने आपको बाहर से कुछ दिखाई ऐसी कार हमने वॉश करवा दी, बहुत ही मज़ा आ गया। तो अभी 6 बजे है, तो सारा सामान पैक करना है, पैक करने के बाद कल जाना है, तो उसकी प्लानिंग बनानी है। तो अभी मैं कार को पार्किंग में रख के, मुझे पेंडल में सॉन्ग को डलवाना है, क्योंकि कहीं जगह पे ब्लूटूथ नहीं आता है, तो उसकी वजह से सॉन्ग मैं सुन नहीं सकता, इसलिए पेंडल ले लिए। पेंडल में अभी जाके सॉन्ग फुल करवा देते हैं, और पहले कार को रख के वहाँ से हमारी बाइक ले लेंगे, बाइक लेने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। फाइनली गए, हमारा सामान सब कंप्लीट हो गया, इसमें मैंने बैग में दूसरा जो सामान था नेक्स्ट पहला वो निकाल के दूसरा सामान पैक कर लिया, और अभी बजे 7:30 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट सब काम निपट गया, लेकिन बीएड बाकी है, तो 7:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो 7:30 से 7:30 बजे निकल जाऊँगा और बीएड सेट करवाते हैं, और फिर टिप का सब रेडी हो गया है, सुन जाते हैं कल सुबह निकलेंगे जाने के लिए, तो रेडी हो ना अभी, चलो हम साथ करेंगे बहुत बड़ी ट्रिप। मैं कल सुबह ही जो वीडियो आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ, तो कल का व्लॉग देखना मत भूलना। तो अभी चलते बीएड को सेट करवाने के लिए। हे गाइस, फाइनली हमारी बीएड हो गई कंप्लीट, और कम करवा ली, और अभी बजे रात के 10:30 में स्कूबी मैक्स को लेकर चलने के लिए गया था, तो वापस आया हूँ, थोड़ा सर में हेडेक हो रहा है, और कल सुबह भी प्रिपरेशन करना है, सब रेडी है, चीज़ हमारी सारी सब रेडी है, सिर्फ निकलना ही है। कल सुबह मुझे जाना है पहले मम्मी को और दोनों दीदी को गाँव को छोड़ने के लिए, और वहीं से मैं निकल जाऊँगा हमारी ट्रिप के लिए। तो ट्रिप कल रिवील हो जाएगी, कल का व्लॉग देखना मत भूलना, और गाइस यहाँ पर व्लॉग को एंड करता है, फिर व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस, take care।